पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से एक शोक सभा का आयोजन सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में किया गया। शोक सभा में मीडिया कर्मियों ने वरिष्ठ पत्रकार संतोष गुप्ता की पत्नी के निधन पर और युवा पत्रकार साथी जगत गौतम की दादी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुरादाबाद यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के मंडल अध्यक्ष तमकीन फैयाज ने बताया कि अम्बेडकर पार्क में शोक सभा रखी गई थी। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया है। वहीं यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद फहीम ने कहा कि हमारे सीनियर साथी संतोष गुप्ता जी की पत्नी का लंबी बीमारी के चलते इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा कि शरद गौतम पत्रकार उनका भी अभी कुछ समय पहले इंतकाल हो गया था और अभी विगत दिन उनकी माता जी का इंतकाल हुआ है। तो दोनों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आज यहां पर यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्यों की मौजूदगी में 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। देखिए, आज यहां अंबेडकर पार्क में एक शोक सभा रखी थी और सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया है। जो दिवंगत आत्माएँ हैं उनकी शांति के लिए, खासकर हमारे संतोष गुप्ता जी जो संरक्षक हैं, बेहद कर्मठ, बहुत ज़्यादा अपने दिल में दर्द रखते हैं सभी पत्रकारों के लिए। आज वो दुख के समय में आज उनके ऊपर पहली बार इतना गम देखा हम लोगों ने इस दौरान, तो हमारा फ़र्ज़ था कि सब लोग उनके गम में शरीक हों। दूसरी बात ये कि जो हमारे एक नए पत्रकार साथी हैं जगत, उनको अभी पिछले कुछ दिन पहले ही पिता की एक आकस्मिक उनका देहांत हुआ, वो शोक था। अब दादी जी का शोक हुआ है तो उसमें भी सभी लोग बराबर के शरीक हैं और इसीलिए आज यहाँ पर आए थे। जी, आज हमने यहाँ अम्बेडकर पार्क में सारे लोग जमा हुए, जिसमें यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन से जुड़े तमाम पदाधिकारी और मेंबर मौजूद थे और दूसरे संगठन या दूसरे पत्रकार भी यहाँ मौजूद थे। हमारे एक बहुत सीनियर साथी हैं संतोष गुप्ता जी, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, एक लंबी अलालत चल रही थी उनकी, बीमारी थी, बीमार थी काफ़ी दिनों से, दिल्ली में एडमिट थी। गुप्ता जी हमेशा पत्रकारों के हित के लिए लड़ते चले आए हैं और हमने देखा है कि वो हर वक्त बस तैयार रहते हैं। आज हमने देखा कि वो वाकई बहुत दुखी हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि हम उनके दुख को कुछ बांटें। तो हमने जो है इस वक्त एक शोक सभा रखी ताकि जो हाल में हमारे पत्रकार साथियों के घर में दुख आया है उसके लिए हम एक शोक सभा रखें। ऐसे ही हमारे एक बड़े मेरा अच्छा दोस्त थे शरद गौतम जी, आज तक में अभी उनकी भी डेथ हुई है पिछले कुछ टाइम पहले, उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ और उनके बेटे जगत गौतम जो हैं वो अब उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो इन दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ 2 मिनट का मौन रखा और ये दुआ की कि उनकी रूह को जो है सुकून मिले और तमाम परिवार के लोगों को सब्र मिले।